हाँ भाई साहब, लियो का भी ट्रेलर आ गया और वो भी अलग अलग लैंग्वेज में। हमें और क्या चाहिए? अरे हाँ, देखा मैंने, अब मैं लोकेश के साथ भी काम करूंगा। साउथ के डायरेक्टर्स के साथ काम करने में मजा आता है। अरे शाहरुख भाई, आपने तो पार्टी बदल ली। मैंने सोचा था कि आप मेरे साथ अभी जवान का पार्ट 2 करेंगे, लेकिन आप तो लोकेश के साथ निकल गए। ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। मैं जवान का पार्ट 2 कभी नहीं बनाऊंगा, कभी नहीं। अटली भाई, तू चिंता न करो, मैं तो हर साथ में हूँ, काहे को चिंता करता है। अपुन की लियो आ रही है, वो आके सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, एक बार उसे रिलीज होने तो दो। मानना पड़ेगा, अगर लियो का ट्रेलर इतना मजेदार है तो फिर फिल्म कितनी रोमांचक रहेगी। इसकी स्टोरी अभी तक किसी को पता नहीं चली। तो अपुन को सब मालूम है, लेकिन अपुन किसी को बताएगा नहीं। काश मैंने अपने फिल्म में संजय दत्त को रावण बना दिया होता तो आज मेरी फिल्म क्या से क्या होती। तो अपुन को चमगादड़ पे बैठने का कोई शौक नहीं है रे बाबा। तू जाके अपना रास्ता नाप ले, तू जाके अपना रास्ता नाप, मेरे पीछे मत आ रे बाबा। संजू बाबा, एक बार यहाँ पे बैठ के देखो, मजा देंगे, वाओ, एकदम मजा आएगा, वाओ। यहाँ की वाइफ भी कुछ और है, वाओ। किसकी वाइफ की बात कर रहा है भाई, सलमान खान की? अबे चमगादड़, वो वाइफ की बात नहीं कर रहा है, वो वाइफ की बात कर रहा है। लगता है इसको ठोकना पड़ेगा। ओ वाओ ये वाओ, मैंने सुना था मेरा चमगादड़ अंधा है, लेकिन ये तो बहरा भी है, वाओ मजा आ गया। साले मेरी बेस्ती पे तेरे को बड़ा मजा आता है। साले नीचे गिरा दूंगा, लाश भी नहीं मिलेगी तेरी। अबे लाश की बात मत करो, लियो की बात करो। लाश को तो मैं ठिकाने लगाऊंगा दृश्यम 3 में। लियो की बात करो। सब लोग रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं रिकॉर्ड की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं असली सिनेमा बनाना चाहता हूँ, जो लोकेश कनगराज बनाता है। कमाल की बात यह है कि इस फिल्म को भी अनिरुद्ध ने म्यूजिक दिया। इसके पहले जवान और जेलर, साला इसका भी अनिरुद्ध ने म्यूजिक दिया था। भाई साहब, कितना म्यूजिक दोगे? कहाँ से लाते हो इतना म्यूजिक? अक्षय भाई, आप भी तो एक साल में 6-7 फिल्में करते हो, लेकिन आपके एक्टिंग में कोई फर्क पड़ा क्या? वैसे ही मैं भी फिल्में कर रहा हूँ, मेरे भी म्यूजिक में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। संजय दत्त का असली करियर तो अब शुरू हो गया। साउथ के फिल्मों में संजय दत्त का क्या डिमांड है? लगता है सरकारी नौकरी लग गई है उनको, इतना लगातार काम किसको मिलता है भाई। अपुन के करियर को नजर मत लगा रही, वैसे तरक्की की बात तरक्की करते रहने को ही असली तरक्की कहते। एक बार मेरी फिल्म थिएटर में आने दो, फिर आपको पता चल जाएगा कि असली पैन इंडिया फिल्म क्या होती है। भैया, इस लियो को लगता है कि ये पैन इंडिया में मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा। साला इसको बताओ रे कि जवान का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकता। अरे मुन्ना, बताने की कोई गरज नहीं है, क्योंकि इस साल तेरी दूसरी फिल्म है जिसने 1000 करोड़ से भी ज्यादा कमाई की। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मेरी फिल्म लियो जवान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? कॉमेंट करके बताइए। और हाँ, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो और अगर आपको ऑफर्स और ढेर सारे डिस्काउंट्स चाहिए, तो इसके सारे अपडेट्स आपको एक टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे। उस टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके अभी फॉलो करो। बिग बिलियन डे भी आने वाला है दोस्तों, भरपूर लूट मचने वाली है।